मेरा नाम सी एस उम्मीद करके है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब से फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया गया है तब से लोगों के मन में डाउट है कि उन्हें अर्लियर टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए या न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए। तो इसका डिसीज़न आपको अपने पर्टिकुलरली जो आपके सैलरी हेड्स हैं उसके बेस पर देखना होगा कि आप क्या क्या एग्जेम्पशंस अर्लियर क्लेम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हाउएवर फॉर द बेनिफिट ऑफ द टैक्स पेयर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने चाह रहा हूँ 5 इनकम्स दैट आर स्टिल एग्जेम्प्टेड इन द न्यू टैक्स रिजाइम। ये 5 इनकम स्टिल अगर आप नई टैक्स रिजाइम भी ऑप्ट करते हैं तो भी आपको अवेलेबल रहेंगी। LIC मैच्योरिटी प्रोसीड्स। लोगों के मन में डाउट है कि 80C की एग्जेम्पशंस ख़त्म कर दी गई है यानी कि अब कोई LIC में इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन LIC की पूरी इन्वेस्टमेंट को ख़त्म नहीं किया गया है, जस्ट 80C की डिडक्शंस को ख़त्म किया गया है। 80C की डिडक्शंस कब होती थी? जब आप LIC में इन्वेस्ट करते थे तो अप टू 1.5 लाख आपको डिडक्शन इसकी अलाउड हो जाती थी, लेकिन अब डिडक्शन वो ख़त्म कर दी गई है न्यू टैक्स रिजाइम अगर आप ऑप्ट करते हैं। लेकिन LIC की मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो होगी स्टिल सेक्शन 1010D में कवर्ड होती है, और 1010D जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है इंक्लूडिंग एनी बोनस दैट हैज़ बीन क्रेडिटेड इनटू द इन्वेस्टमेंट्स वो सारा कुछ एग्जेम्प्ट करता है। फर्दर सेकंड एग्जेम्पशंस जो है आपको कंट्रीब्यूशन टू NPS और EPF। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है NPS और EPF में वो अप टू ए पर्टिकुलर लिमिट आपका एग्जेम्प्ट किया गया है, देयर आफ्टर वो टैक्सेबल रहेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर लिमिट ऐसी है कि 95% लोग उसमें कवर्ड हो जाएंगे। तो हम देखते हैं सेक्शन 17(2)(7) क्या कहता है। एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ द असेसी बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है असेसी के अकाउंट में, वो अकाउंट कौन सा है, RPF का है या फिर 80CCD1 यानी कि NPS वाला है या फिर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड कोई है तो वो वाला है, टू द एक्सटेंट इट एक्सीड 7,50,000 रुपीज़ इन ए प्रीवियस ईयर, यानी कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपये से ऊपर का है इन तीनों फंड्स में मिलाकर तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका टैक्सेबल रहेगा। तो अप टू 7.5 लाख रुपए तक का अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है पर ईयर तो वो आपका एग्जेम्प्ट नई स्कीम में भी रहेगा और पुरानी में भी रहेगा। थर्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम ग्रेच्युटी रिसीव्ड। तो सेक्शन 1010 कवर करता है ग्रेच्युटी रिसीव्ड की एग्जेम्पशंस को। तो जितनी भी आपको ग्रेच्युटी मिली है अप टू 20 लाख रुपीज़ सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन देयर ऑफ आर स्टिल अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स सिनेरियो, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको 100% ग्रेच्युटी आपकी एग्जेम्पशन मिलेगी, और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको 20 लाख रुपीज़ तक की एग्जेम्पशन वहाँ पर मिलेगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो यानी कि पोस्ट सेविंग अकाउंट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 80C की डिडक्शन तो आपको अब नहीं मिलने वाली है, लेकिन सेक्शन 1015(1) है जो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन अभी भी आपको प्रोवाइड करता है। तो यदि आपका अकाउंट इंडिविजुअल बेसिस पे है तो आपको 3500 रुपये तक की इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन मिलेगी, या और आपका जॉइंट होल्डर अकाउंट है तो आपको 7000 रुपये पर ईयर तक की एग्जेम्पशन इस सेक्शन के अंदर मिलेगी। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम EPF एंड PPF। तो जाहिर सी बात है 80C को विड्रॉन किया गया है, लेकिन EPF और PPF में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो सेक्शन 1011 में अप टू 9.5% पर ईयर तक टैक्स फ्री रहेगा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये नई टैक्स रिजाइम में भी आपको मिलेंगे। आप बिफोर सेलेक्टिंग एनी न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम आपको इन बेनिफिट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।